हेलो पांकर भाई, मेरा नाम है ओपो और मैं आपका एक सब्सक्राइबर हूँ। और बीइंग अ कॉमन मैन, अपने को ये बजट किस तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि कस्टम्स में इतनी सारी नोटिफिकेशंस होती हैं। अब छोटा मोटा बजट तो मैंने भी पढ़ा है कि 135% का इंक्रीज़ हुआ है हेल्थ सेक्टर में। फिर 75 से ऊपर के जो एज के लोग हैं उनको अब ITR नहीं फाइल करना है। ये तो होगा ही कॉमन चीज़ है। कस्टम्स रिलेटेड और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड कौन सी चीज़ें चेंज हुई हैं, कौन सी ड्यूटी बढ़ी है, कौन सी ड्यूटी कमी है, या क्या नया नोटिफिकेशन आया है, हमको कैसे पता लगेगा? क्योंकि इतने सारे नोटिफिकेशंस होते हैं तो देख देख के मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे को बड़ा डर लग रहा है। मेरे को बहुत इजी लैंग्वेज में समझाओ। देखो, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, अगर आप मेरे को समझ में नहीं आया ना, मैं वीडियो डिसलाइक कर दूंगा जी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। थैंक यू भाई, इतना अच्छा सवाल पूछने के लिए, बहुत ही अच्छा सवाल था, इसका जवाब मैं दूंगा। बट उससे आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ, आप भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपसे भी और उन सभी लोगों से जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या आगे करेंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ही वो लोग हैं जिसकी वजह से हम हैं। अगर आप नहीं होते तो हम नहीं होते। आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का और वैल्यू प्रोवाइड करने का और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि मैं जो जिन टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़े से अनटच टॉपिक हैं कस्टम्स और इंडियन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, कस्टम्स के बारे में पर्टिकुलरली। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो उससे मेरे को भी थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा कि आप लोग क्या कौन से वीडियोज़ बनाना देखना चाहते हैं फ्यूचर में। तो आप वो भी पूछ सकते हैं कि आप मैं कौन से वीडियो बनाऊं, तो उससे मेरे को पता लग जाएगा कि कौन से वीडियोस मेरे को बनाने चाहिए, किस टॉपिक्स के ऊपर मेरे को वीडियो बनाने चाहिए फ्यूचर में। इस वीडियो को भी अगर ये वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर लेना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। तो भाई, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि एक कॉमन मैन जो कि अपना छोटा मोटा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है, उसको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे नोटिफिकेशंस होते हैं, लाखों नोटिफिकेशंस और लाखों सर्कुलर्स होते हैं जिनमें अमेंडमेंट होती रहती है, जिनमें अपडेशन होता रहता है रेगुलर बेसिस पे। तो पर्टिकुलर बजट में आपको कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए, बींग अ कॉमन मैन, बींग अ छोटा मोटा छोटा इम्पोर्टर एक्सपोर्टर जो शुरू आप छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में शुरू करने का सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए और कौन सी चीज़ों को आपको कम्प्लीटली इग्नोर कर देना चाहिए और अपना सर उसके ऊपर खपाना नहीं चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी टेंशन होता है। तो बींग अ सी एच है, बींग अ कस्टम हाउस एजेंट, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग किस तरीके से नोटिफिकेशन को देखते हैं, क्योंकि हमारे पास भी नोटिफिकेशन अपडेटेड लिस्ट आती है पूरी की पूरी, और पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आती है। मैं वो लिस्ट आपको यहाँ पे दिखा भी दूंगा कि कितना बड़ा लिस्ट होता है, कितने सारे पेजेस होते हैं उसके अंदर। तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो उसको पढ़ते हैं, और हम लोग पर्टिकुलरली कैसे टाइम सेव करते हैं उसको पढ़ने में, किस तरीके से हम कौन सी चीज़ों को देखते हैं, इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी आपका हमारा बजट आता है ना, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी किस में ड्यूटी बढ़ी है, किस में ड्यूटी कमी है, क्योंकि बट अल्टीमेटली हमें या तो ड्यूटी सेव करनी होती है या तो गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो कोई गलत नोटिफिकेशन ना लग जाए, कोई गलत हम ज़्यादा ड्यूटी ना पे कर दें गवर्नमेंट को या कम ड्यूटी ना पे कर दें, तो ये हमारे पर्टिकुलर माइंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कौन से प्रोडक्ट में ड्यूटी बढ़ी है, कौन से प्रोडक्ट में ड्यूटी कमी है। तो जब भी बजट आता है तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर ड्यूटी बढ़ती है, जिसके अंदर ड्यूटी कमती है, किसी के अंदर कोई सेस लगता है, किसी के अंदर कोई सेस नहीं लगता है। तो हम इसको कैसे शॉर्ट आउट करते हैं, किस तरीके से हम इसको कंपाइल करते हैं कि हमको कौन से प्रोडक्ट देखने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम पर्टिकुलर बीइंग अ सीएच है, हम देखते हैं कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट में डील करते हैं। हम देखते हैं कि लाइटिंग फिक्सर में डील करते हैं, देखते हैं कि जिम मशीन पर डील करते हैं, या स्क्रैप में डील करते हैं, या स्टील में डील करते हैं, या आपके क्लोथिंग में डील करते हैं, या RMG में डील करते हैं। तो हम वो देखते हैं, उसके बाद हम नोटिफिकेशंस को खोलते हैं, जो लिस्ट आती है हमारे पे अपडेटेड, उसमें हम देखते हैं कि पर्टिकुलर जो हम चैप्टर हेडिंग में फाइल करते हैं उस चैप्टर हेडिंग में क्या चेंज आया है। तो उस चैप्टर हेडिंग में देखते हैं कि क्या चेंज आया है, ड्यूटी बढ़ी है कि कमी है, कि कोई सस लग रहा है, कि कोई नया नोटिफिकेशन आया है उसके अंडर में, क्या एंटी डंपिंग ऐड हुई है, क्या एंटी डंपिंग हटी है। तो इस तरीके से हम CHA और जो भी इम्पोर्टर होता है, बड़ा इम्पोर्टर, वो इस तरीके से ही पूरे बजट को सॉर्ट करता है। वो देखता है कि हम कौन से प्रोडक्ट में डील करते हैं, उस प्रोडक्ट का HS कोड क्या है, उस प्रोडक्ट में जाके वो देख लेता है कि इस प्रोडक्ट में ड्यूटी बढ़ी है कि ड्यूटी कम हुई है। अब आप अभी रिसेंट बजट में आपने ये भी सुना होगा कि गोल्ड में ड्यूटी कम हुई है, सिल्वर में ड्यूटी कम हुई है, सुना भी होगा न्यूज़ में। न्यूज़ में सारे लोग कह रहे थे कि गोल्ड में ड्यूटी कम हुई है, सिल्वर में ड्यूटी कम हुई है, आप गोल्ड के रेट क्या कम हो जाएंगे, क्या सिल्वर के रेट कम हो जाएंगे, स्टील में ड्यूटी कम हुई है, आपकी कॉपर में भी शायद ड्यूटी कम हुई है, यान में, फिर आपकी है, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा यहाँ स्क्रीन पर, इन इन चीज़ों में ड्यूटी, जिस जिस चीज़ में ड्यूटी कम हुई है, जिस जिस चीज़ में ड्यूटी बढ़ी है, मोटा मोटा जो होता है, कि बाकी माइनर जो आपके चेंजेस होते हैं वो बहुत सारे चैप्टर हेडिंग्स में होते हैं। जो मोटा मोटा चेंजेस होता है, ड्यूटी कम होना और ड्यूटी बढ़ना, उसका मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। उसके ऊपर भी आपको ये शॉर्ट करना होता है कि आप कौन से प्रोडक्ट में डील करते हैं, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये वो तरीका होता है बजट को शॉर्ट आउट करने का, फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ कस्टम हाउस एजेंट एंड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ इम्पोर्टर।
अब इस बार एक सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि इस बार एक सेस इंट्रोड्यूस हुआ है, AIDC, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। तो इससे पहले हायर एजुकेशन इस एजुकेशन सेस लगता था, ड्यूटी फिगर आपको यहाँ दिख जाएगी, गोल्ड पे ड्यूटी कम हुई है, सिल्वर पे ड्यूटी कम हुई है, बट सेस लगा दिया है। तो इसका क्या मतलब होता है कि भाई ड्यूटी भी कम कर रहे हैं, सेस भी लगा रहे हैं, तो वो तो काउंटर बैलेंस हो गया। तो इसमें क्या चाहिए होता है, देखिए सेस सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि सेस क्या होता है। सेस एक टैक्स होता है जो टैक्स के ऊपर लगता है, नहीं समझे? सपोज 10% की कस्टम ड्यूटी है, उसमें सेस लगा है 2.5%, तो 10% का जो 2.5% होगा वो सेस के रूप में एडिशनली चार्ज किया जाएगा कस्टम ड्यूटी के ऊपर। अभी तक जो एजुकेशन सेस लगता था वो 10% का 10% होता था मोस्ट ऑफ द केसेस में, अब 10% का 10% प्लस 10% का 2.5% गोल्ड और रेबार पे लगेगा। तो सेस क्या होता है, सेस भी तो टैक्स ही है, तो सीधे सीधे कस्टम ड्यूटी बढ़ा देते? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सेस जो होता है ये एक ऐसा टैक्स होता है जो एक पर्टिकुलर कॉज के लिए लाया जाता है, पर्टिकुलर किसी एक मोटो को दिमाग में रखते हुए कि हमको एजुकेशन के लिए सेस इकट्ठा करना है, या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेस इकट्ठा करना है, या सोशल वेलफेयर के लिए सेस इकट्ठा करना है, या सीनियर सिटीजन्स के लिए सेस इकट्ठा करना है, या इस बार की तरह जैसे कि AIDC एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सेस इकट्ठा करना है। तो सेस जो होता है ये सीधा सेंटर के पास जाता है, डायरेक्ट टैक्स के ऊपर भी लग सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर भी लग सकता है। तो सेस जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर कॉज के लिए, एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इसको बहुत ही ईजी होता है उसको इम्पोज करना और उसको विड्रॉ करना। अब सेस की जगह आप कोई दूसरा टैक्स लेके आते हैं, सपोज आप बेसिक कस्टम ड्यूटी में चेंज करते हैं, तो आपको बहुत सारी नोटिफिकेशंस में अमेंडमेंट करनी पड़ती है, बहुत सारी जगहों पर आपको अमेंडमेंट करनी पड़ती है, फिर जाके आप कोई नया टैक्स लेके आते हैं। बट सेस क्या होता है, सेस ऐसा एक टैक्स होता है जो टैक्स के ऊपर लगता है, जो बहुत ही ईजी होता है इम्पोज करना, आप किसी नोटिफिकेशन के थ्रू उसको इम्पोज कर सकते हैं, वापस नोटिफिकेशन के थ्रू उसको विड्रॉ कर सकते हैं जब आपका पर्पस पूरा हो जाए। तो ये सेस का मोटा मोटा क्या कहते हैं फंडा होता है। सेस होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना, जो कि बहुत ईजी होता है इम्पोज करना, बहुत ईजी होता है विड्रॉ करना जब आपका कॉस्ट पूरा हो जाए। और अभी रिसेंट टाइम्स में जो एग्रीकल्चर को लेकर चल रहा है, और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो पेंडेमिक के चलते हिट आया है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और एग्रीकल्चर का तो चल ही रहा है ऑलरेडी, तो इसके लिए ये टैक्स इम्पोज करना एक बहुत ही जनरल चीज़ है कि इस टाइम पे हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सेस इम्पोज कर रहे हैं और कुछ पैसा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए। तो ये एक मोटा मोटा बजट था इस बार का कि ये चीज़ें चेंज हुई है। और इस बार एक चीज़ और चेंज हुई है कि मोबाइल एक्सेसरीज़ में ड्यूटी बढ़ा दी गई है। अब जो मोबाइल ड्यूटी में मोबाइल पार्ट्स में ड्यूटी बढ़ी है, ये भी हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को और आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए कम किया गया है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट चाहती है कि मोबाइल पार्ट्स जो है, जनरली अब तक जो होता था वो सारा का सारा मोबाइल पार्ट्स मोस्टली बाहर से इंपोर्ट होता था, और यहाँ पे इंडिया में सिर्फ असेंबल होता था, मैन्युफैक्चर कुछ मोस्टली नहीं होता था। अब मोदी गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम जो पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि आपका IC हो गया, आपका चिपसेट हो गया, आपका CPU हो गया, वो भी हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करें। इसलिए लोकल मैन्युफैक्चरर को, आप ये कह सकते हो कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए इस बारी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स, मोबाइल पार्ट्स पे ड्यूटी थोड़ी सी बढ़ाई गई है। तो ये एक मोटा मोटा फंडा होता है बजट 2021 का, कि हम बजट किस तरीके से देखते हैं, बींग ए CHA, बींग एन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एजेंट, बींग ए फ्रेट फॉरवर्डर, हम किस तरीके से बजट को सॉर्ट आउट करते हैं, कंपाइल करते हैं, और अपने ध्यान में रखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना है, कौन कौन सी चीज़ों को अपने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है।